वेलकम बैक। अहम खबर देंगे आपको। सिलेक्टर आकिब जावेद को कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद दौरा जिम्बाब्वे में जिम्मेदारियां संभालेंगे। अहम खबर है, सिलेक्टर आकिब जावेद को कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। अली नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। अली, मजीद कहिएगा। इम्कान है बोर्ड के साथ कुछ इख्तलाफात की बुनियाद पर इस्तीफा दे दिया था और ये एक बड़ी बैठक बैठी थी जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को एक बड़ा अहम मशवरा दिया गया था कि अब आप लोकल कोई कोच रखें, जो कि एक तो सबसे बड़ा मसला जुबान का है, दूसरा सबसे बड़ा मसला खिलाड़ियों की अंडरस्टैंडिंग का है। अगर मकामी कोच होगा तो वो खिलाड़ियों की मेंटल लेवल को भी समझता होगा, उसको पता होगा कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ पर गलती करता है, उसको किस तरीके से समझाया जा सकता है। तो बहरहाल अब ये फैसला किया गया कि व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के जो हेड कोच है वो आकिब जावेद हो सकते हैं। दौरा जिम्बाब्वे के लिए इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का व्हाइट बॉल का हेड कोच बनाए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफिशियली तौर पर तो अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि आकिब जावेद अब व्हाइट बॉल के हेड कोच होंगे। कैरी क्रिस्टन के इस्तीफे के बाद आकिब जावेद को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। अब रेड बॉल के कोच इस वक्त जैसन गिलेस्पी हैं, जो कि गैर मुल्की हैं, इनको भी इम्कान यही है कि वो भी अपने मियाद से पहले इनको भी फारिग कर दिया जाएगा, इनकी जगह पर भी कोई मकामी कोच लगाया जाएगा। आकिब जावेद व्हाइट बॉल के हेड कोच होंगे, जबकि फील्डिंग के लिए टीम के हेड कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। अली नासिर तफसीर।